आगामी त्यौहार बकरीद को लेकर मुरादाबाद एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि बकरीद त्यौहार प्रशासन के आदेशानुसार मनाएं। सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आने वाले त्यौहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इस बीच अब तक कोरोना वायरस के चलते जैसे जैसे सरकारी आदेशानुसार त्यौहार मनाए गए हैं वैसे ही आगामी त्यौहार भी इन सभी का पालन करते हुए मनाए जाएं। आगामी रक्षाबंधन व बकरीद के जो त्यौहार हैं उनको लेकर पुलिस ने पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह ड्यूटीज लगाई गई हैं और इस त्यौहार के अवसर पर मैं अपने सभी मुरादाबाद के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार के दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करें। कोरोना और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बचाव के जितने साधन हैं उनका प्रयोग करें। कोरोना से जो बीमारी है इसका इस समय कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशन हमें लेने हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, जितनी बार हो सके अपने हाथ को धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो न सिर्फ हम अपने आप को खतरे में डालेंगे, अपने परिवार को खतरे में डालेंगे और साथ ही हम अपनी सोसाइटी को भी खतरे में डालेंगे। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि त्यौहारों को अपने घरों में रहकर मनाएं, पूजा अर्चना नमाज अपने घरों में ही अदा करें और ये सबसे अपने आसपास भी देखें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उन्हें भी समझें। सर, ईद उल अज़हा बकरीद करीब है तो जगह जगह बाज़ार लगाए जाते हैं, उनके लिए बाज़ार लगाए जाने की कोई नियम अनुसार कोई आदेश हैं सर? जो भी सरकार के दिशा निर्देश आएंगे उनका अनुपालन करें।